हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडीज। सो गाइस, आज का ये वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज इग्नू के तरफ से वो अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है जिसका वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, राइट। सो वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। फाइन, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस तरीके के नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली पाने के लिए, राइट। और आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं हर एक नोटिफिकेशन को। हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, एक एक करके हर एक नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। फाइन, सबसे पहले मैं आपके एक बड़े डाउट को क्लियर कर दूं जिसको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो, एंड इसके बाद हम लोग अदर नोटिफिकेशन को देखेंगे जो कि आज इग्नू के तरफ से अर्जेंट नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। फाइन, सो आप लोगों का ये डाउट आ रहा है कि जून 2022 एग्जामिनेशन का जो असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है उसका लास्ट डेट क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पॉइंट में आपका असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट 15 मई 2022 है। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या 15 मई 2022 के बाद भी डेट एक्सटेंड की जाएगी, तो हाँ, डेट एक्सटेंड की जाने की काफी ज्यादा चांसेस है, डेट एक्सटेंड की जाएगी। बट आप लोग डेट एक्सटेंड करने का वेट ना करें, टाइम रहते आप अपना असाइनमेंट सबमिशन कर ले। 15 मई 2022 जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए सबमिशन का लास्ट डेट रखा गया है असाइनमेंट का। फाइन, एंड नेक्स्ट, बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, बीएससी के कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है और भी अदर प्रोग्राम के, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रिजल्ट का अपडेट इस अपडेट में नहीं आया है, अगर आपको नॉट फाउंड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट इस अपडेट में नहीं आया है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? मैं हर एक वीडियो में बता रही हूँ कि अगर रिजल्ट आपका नहीं आया है तो नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा, वेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, आ जाएगा आपका रिजल्ट, पैनिक मत होइए, थोड़ा सा डिले होगा बट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी अपडेट आता है तो मैं आपको कंटिन्यू अपडेट दे रही हूँ हर एक अपडेट में, रिजल्ट के हर एक अपडेट में आप सभी स्टूडेंट्स अपना इनरोलमेंट नंबर डाल करके रिजल्ट को जरूर चेक कीजिएगा, जिसका नहीं आएगा वो नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लीजिएगा। फाइन, तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के नोटिफिकेशन की ओर, एंड देख लेते हैं क्या है आज का नोटिफिकेशन। सो गाइज, आज का नोटिफिकेशन है जिसका वेट आप काफी टाइम से कर रहे थे, जो कि इग्नू की तरफ से अब फाइनली रिलीज कर दिया गया है आपका वीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हॉल टिकट, जो कि आप देख पा रहे होंगे हॉल टिकट को ही एडमिट कार्ड बोला जाता है। तो आप अपना यहाँ पर कंट्रोल नंबर या फिर फॉर्म नंबर डालिए, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। इस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो जरूर कीजिएगा जो कि आपके हॉल टिकट पर मेंशन किया गया है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के हैं जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनका भी हॉल टिकट यहाँ पर रिलीज किया जा चुका है एडमिट कार्ड, जो कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड यूजर नेम पासवर्ड डालिए, कैप्चर को फिल कीजिए एंड यहाँ से आप अपना हॉल टिकट को डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। सो इस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएड और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, हॉल टिकट अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फाइन, और बीएड और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आगे पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, मेरिट लिस्ट से लेकर के जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तब तक पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। एंड नेक्स्ट अपडेट में आपको बताया गया है कि अगर आपका प्रोग्राम बीएड का है, सेकंड ईयर का, आपके लिए वर्कशॉप का टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप यहां पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चेक कर पाएंगे, जो कि यहां रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन, पूरा शेड्यूल आपको यहां पर बता दिया गया है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं कि ये बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट दिया गया है, तो जितने भी स्टूडेंट्स बैंगलोर रीजनल सेंटर के हैं और उनका बीएड का प्रोग्राम है, अगर वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, देन इस वर्कशॉप के टाइम टेबल को जरूर नोट कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही आपको ये भी बताया गया है बैंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से कि अगर आपका बीएड का फर्स्ट ईयर का भी प्रोग्राम है, देन आपके लिए भी वर्कशॉप रिलीज कर दिया गया है बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी, तो यहाँ पर क्लिक करके आप शेड्यूल को चेक कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर रहा आपका शेड्यूल फर्स्ट ईयर के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बैंगलोर रीजनल सेंटर के बीएड के स्टूडेंट्स जरूर इस टाइम टेबल को नोट कर लीजिएगा। फाइन, एंड नेक्स्ट अपडेट में आपको बताया गया है कि अगर आपने अपना फ्रेश एडमिशन लिया है जनवरी 2022 साइकिल में,
तो आपके लिए इंडक्शन मीटिंग रखा गया है जिसका शेड्यूल रिलीज किया गया है, तो इस शेड्यूल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो कि यहाँ पर अपडेट दिया गया है। ये रहा आपका शेड्यूल, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराया गया है फेसबुक का और यहाँ पर गूगल मीट लिंक दिया गया है। इस लिंक के थ्रू आपका इन सभी प्रोग्राम के लिए इंडक्शन मीटिंग होगा। इंडक्शन मीटिंग आपके लिए अटेंड करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज जब आप इग्नू में फ्रेश एडमिशन लेते हो तो आपको आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो इंडक्शन मीटिंग में आपके प्रोग्राम के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2022 सेशन में अपना फ्रेश एडमिशन लिया है, इस शेड्यूल को जरूर नोट डाउन कर लीजिए और आप अपना यहाँ पर टाइमिंग और डेट वगैरह सब आपको बता दिया गया है कि किस डेट और कितने बजे से आपका इंडक्शन मीटिंग होगा। ऑनलाइन मोड में होगा गूगल मीट लिंक के थ्रू, जो कि यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराया गया है और यहाँ पर फेसबुक का भी लिंक प्रोवाइड कराया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये दरभंगा रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट दिया गया है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस रीजनल सेंटर के हैं और उन्होंने जनवरी 2022 सेशन में इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो जरूर मीटिंग को अटेंड कीजिएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट में आपको बताया गया है कि अगर आपका प्रोग्राम PGDEMA का है, देन आपका वावा वॉइस होने वाला है टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 के लिए, जो कि डेट यहां पर बता दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल को चेक करने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे, देन आप देख पा रहे होंगे एलिजिबल स्टूडेंट्स का यहां पर नाम मेंशन किया गया है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं, ये कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट दिया गया है एंड इसी रीजनल सेंटर की तरफ से AEDU के लिए भी वावा वॉइस का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप यहां पर क्लिक करके इसका शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों प्रोग्राम के लिए चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, कोलकाता रीजनल सेंटर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइज यही सब था आज का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जाना जरूरी था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए एंड वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दे ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल पाए। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।